लगी है, बिल्कुल पास से देखना आप लोग। ओ भाई साहब काफी तेज स्पार्क कर रहा है यार, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है बेसिकली। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी मच्छर या फिर मक्खी या फिर कोई मधुमक्खी आया, कोई भी टच करेगा इसके ऊपर या फिर छिपकलीगा इस पर, अगर टच कर दिया गलती से भी तो काफी तेज झटका लेगा, जिसकी वजह से तुरंत वहीं पर मारा जाएगा। इस तरह से बेसिकली ये हमारा मॉस्किटो किलर काम करता है। तो दोस्तों आज के इस यार हमने बनाया है घर पर ही बहुत ही पावरफुल मॉस्किटो किलर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो पुराना सा मोबाइल चार्जर था उसका मैंने इस्तेमाल किया है, और बेसिकली यहाँ पर एक पुराना सा मॉस्किटो किलर का जाली होता है इसका इस्तेमाल किया है। तो इस दोनों चीज़ों की सहायता से मैंने एक बहुत ही पावरफुल मॉस्किटो किलर बनाया है घर पे ही। वरना दोस्तों अगर आप इसको मार्केट में खरीदोगे तो आपको 250, 300 या फिर 500 रुपये का मिलने वाला है। तो आप इसको अपने घर पर ही बना सकते हो, पुराने जो चार्जर होता है मोबाइल चार्जर और ये फाइनली एक जो मॉस्किटो किलर का जाली होता है, इस तरह से बना सकते हो। वरना दोस्तों आपके पास ये जाली नहीं है तो आप लोग अपने घर पे ही बना सकते हो, जो एल्यूमिनियम जाली आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, 20 से 25 रुपये में इजिली मिल जाएगा। तब भी दोस्तों आप 30 से 40 रुपये के अंदर इसको इजिली बना पाओगे अपने घर पे ही। तो चलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसको बना सकते हो। और दोस्तों क्योंकि अभी के टाइम में बरसात का समय चल रहा है और बहुत ज़्यादा दोस्तों मच्छर काटते हैं और मक्खियाँ रहती है, छिपकली भी आपके घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको आप बनाकर अपने बोर्ड में लगा दीजिए, कहीं भी स्टेशन बोर्ड जहाँ पर 220 वोल्ट पावर आता है तो लगा दोगे तो गाइस कोई भी इस पर जैसे ही टच करेगा तुरंत बहुत तगड़ा वाला शॉट लगेगा। इसके अंदर DC 90 वोल्ट पावर आता है, जिसकी वजह से कोई भी इस पर टच करते ही मारा जाएगा, इतना खतरनाक होता है। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग टच कर लेंगे तो झटका लगेगा लेकिन मरेंगे नहीं, इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपके लिए काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं इस तरह से बनाया गया है, वीडियो शार्ट है। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो शार्ट है स्वराज मिशन ऑन दिस। तो दोस्तों इस वाले मॉस्किटो किलर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पुराना सा चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यह है एक बहुत ही पुराना मोबाइल चार्जर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैं इसको ले लेना है दोस्तों। इसके अंदर जो मशीन लगा हुआ है यानी कि मदरबोर्ड है, इसका मैं कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो इसको मैं खोल ही देना है इसके ढक्कन को, यानी कि इसका जो कवर है यहाँ पर, तो इसको मैं खोल लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, बस बंद किया ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ, वरना इसको खोलना बहुत बड़ी चुनौती रहती है, खोलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए खुल गया इसका ढक्कन। तो इस तरह से हमने इसको फाइनली यहाँ पर खोल लिया है, आप देखते हैं इस तरह से। इसके अंदर जो यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है मशीन, इसका निकाल लेना है। इस तरह से तो दोस्तों इसका जो ये मशीन है बिल्कुल से ठीक है, तो हमें इसका कोई काम नहीं है। ये चार्जर बिल्कुल ठीक था लेकिन पुराना हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको शायद ख़राब दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल से ठीक है, ख़राब नहीं है। तो इसको हमें इसको साइड रख देना है, इसके मशीन का कोई काम नहीं, क्योंकि इसकी सहायता से हम मॉस्किटो किलर नहीं बना सकते, हमारा स्पार्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये DC वोल्टेज है, इसके अंदर ऑटो कटअप लगा हुआ है। जैसे ही हम सर्किट को शॉर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पावर बंद कर देगा, उसके बाद जैसे ही फिर से हटाएंगे फिर से चालू करेगा, तो इस तरह से इससे काम हो नहीं पाएगा, इसलिए इसका हमें आवश्यकता नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक 7 वाट का जो LED बल्ब होता है हमारे घर में लगा होता है, उसका जो ये ड्राइवर है ये इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ड्राइवर का आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये एक तरफ से दोस्तों इसके अंदर एक तरफ से AC पावर देना है, दूसरी तरफ से यहाँ पर 90 वोल्ट तक DC पावर आएगी, और DC पावर दोस्तों इसकी सहायता से ये काफ़ी तेज हाई स्पार्क करता है, तो इस तरह से हम इसको काम कर पाएंगे। यानी कि 90 वोल्ट DC पावर रहेगा तो इससे हमें करंट भी नहीं लगेगा, और अच्छे तरीके से मच्छर को भी जिसे छुएंगे तुरंत मर जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली काम करने वाला है, तो मैं इसी ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर आप लोग बना रहे हो तो आपको भी इसी तरह का ड्राइवर इस्तेमाल करना है पुराने LED बल्ब से। तो इसका मैं ले लूँगा सबसे पहले, तो इसके अंदर हमें सिंपल इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल के सोल्डर कर देना है फटाफट से, कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर 2 वायर निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्टली हम सोल्डर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका स्विच ये बाहर आएगा नहीं, इसलिए इसके अंदर हमें सोल्डर करना होगा। तो मैं 2 वायर को यहाँ से निकालने के बाद इस पर सोल्डर कर दूंगा, तो इसलिए फटाफट से सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फटाफट से इस पर सोल्डर कर लिया है 2 वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली इसके प्लग पर 2 वायर को अंदर से जोड़ दिया है, कुछ इस तरह से। सिंपल इसको जोड़ना था तो इस तरह से मैंने जोड़ लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। डिस्टेंस पे दोस्तों एक एक बार जोड़ लेते हैं, ये वाला वायर इस पे जोड़ेंगे, ये वाला इस पे जोड़ लेंगे, बस इतना ही करना है इसके अंदर। और ये वाला वायर सिंपल यहाँ से, और अब दोस्तों यहाँ से 2 वायर और निकालना पड़ेगा, एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसका प्लस माइनस होता है। तो चूंकि ये AC था तो इसका प्लस माइनस नहीं होता है AC पावर का,
इस तरह से दोस्तों इसके अंदर हमें लगा देना है और उसके बाद दोस्तों इसको हम पैक कर देंगे और इस पर दोबारा सोल्डर कर लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसके मेन पार्ट पे आते हैं। इसके लिए मेरे पास दोस्तों एक मॉस्किटो किलर का एक यहाँ पर जाली था, तो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास है यहाँ पर एक पुराने मॉस्किटो किलर का यहाँ पर जाली, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया, बिल्कुल नया आप दिख रहा है यहाँ पर। तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसके दोनों वायर है सिंपल, यहाँ पर दो वायर इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें दोनों मिलाकर एक है, यानी बीच का वायर है और एक किनारे का और ये दूसरे साइड का है। तो इस तरह से दोस्तों हमें इसको इसके जाली को ले लेना है, इसके वायर को सिंपल लाकर इसके मशीन पर सोल्डर कर देना है इस तरह से। तो इसके पहले इस पर हमें स्विच करना पड़ेगा, यहाँ पर दो छेद कर लेंगे सिंपल यहाँ पर, या फिर एक छेद में काम हो जाएगा। और जो सैमसंग लिखा हुआ है यहाँ पर हमें इसके बीचों बीच में छेद कर लेना है एक। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके अंदर छेद कर दिया है। अब इसके दोनों वायर को हमें निकाल लेना है, एक वायर को इस साइड से निकाल लेते हैं दोनों वायर को, और इसके वायर को इस साइड से निकालेंगे। निकालने के बाद इसके जाली से कुछ इस तरह से इसके बीचों बीच में हमें लगा देना है और इसको चिपका देना है इसके सेंटर में अच्छे तरीके से इसको सुपर ग्लू के साथ, ताकि दोस्तों ये हीरो डलना इसी पे सारा मजबूती रहेगा और इसी के बल पे समझ लीजिए ढक्कन के बल पे ये रुकने वाला है बेसिकली। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी कोताही नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपकाना है सुपर ग्लू को। सुपर ग्लू यानी कि बीगा क्विक है ये, तो हम इसका इस्तेमाल करके चिपका देंगे इसको अच्छे तरीके से। इस तरह से दोस्तों इसका सेटअप कर लेना अच्छे तरीके से और इसके बीचों बीच सेंटर में इसको चिपका देना अच्छे तरीके से इस वीगा क्विक की सहायता से। इस तरह से इसको चिपका लेना अच्छे तरीके से ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए इसका सुपर ग्लू से। मजबूती के अंदर कोई कमी ना होनी चाहिए इसके अंदर। तो दोस्तों जब तक हम इसका सूखने का वेट करते हैं, तब तक आप लोग यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की काफ़ी कमाल की वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ नए नए चीज़ों पर रिसर्च करके छोटा छोटा चीज़ें। अब इसके सूखने का वेट करते हैं तब तक। तो दोस्तों हमने फाइनली इसको अच्छे तरीके से चिपका दिया है और दो पत्ती मैंने अलग से पीवीसी का लगाया है इसके सपोर्टिंग के लिए। आप देखें तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर और इस तरह से दोनों साइड में मैंने लगा दिया ताकि सपोर्टिंग के रूप में इस पर सारा लोड इसी पत्ती पे होने वाला बेसिकली इसके ढक्कन पे, तो ये उजर ना जाए इसलिए इसके सपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो पत्ती एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये काम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर सर्किट पे हमें सोल्डर कर लेना है। इसमें दोस्तों वैसे तो प्लस माइनस है लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं वी ई माइनस और वी ई प्लस। तो इस तरह से दोस्तों इस पर हम सोल्डर कर लेंगे क्योंकि हमें इसको लाइट जलाना है, इस तरह के शॉर्ट करना है, तो कोई सा भी प्लस हो सकता है, कोई सा भी माइनस हम जोड़ सकते हैं चलेगा आराम से। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको लगा देता हूँ यहाँ से, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी इसको ट्राई करो। तो अब मैं सोल्डर कर देता हूँ फटाफट से। कोई सा भी वायर किसी में भी जोड़। दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है स्टूडियो में और मेरे कैमरे का सेटिंग सही ठीक नहीं काम कर रहा है, इसलिए हो सकता है क्वालिटी आपको ना दिख पाया असली जैसा दिखाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि यहाँ पर इसके वायर को जोड़ लेना है सिंपली। इस तरह से हमने दो वायर को सिंपली जोड़ लिया है यहाँ पर। दोस्तों इतना था हमारा सर्किट का कनेक्शन, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसके अंदर थोड़ा सा कार्बोर्ड डाल देना ताकि वायर जाकर दोबारा से वायर टच ना हो जाए, कहीं शॉर्ट ना कर पाए, इसलिए हमें इसको सिंपल इसके अंदर डाल देना है। बाकी और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके अंदर डाल देना है इसको और इसके सर्किट को बंद कर देना अच्छे तरीके से, यहाँ से इसके ढक्कन को लॉक कर देना अच्छे तरीके से।
तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हमारा मॉस्किटो किलर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है मोबाइल का चार्जर और फाइनली इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको सिंपली किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दीजिए 220 वोल्ट वाले एसी पावर में, और फिर फाइनली यहाँ से इसके अंदर पावर जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी मच्छर इस पर टच करेगा तुरंत मारा जाएगा, या फिर कोई मधुमक्खी होगा, या फिर कोई हाड़ी जो छत्ता होता है तो ततैया वाला, तो सारा चीज़ मारा जाएगा। कॉकरोच हुआ तो भी, कोई भी कहने का मतलब है दोस्तों, इस पर कोई भी चीज़ टच करेगा तो उसको करंट काफ़ी तगड़ा वाला लगने वाला है। तो इस तरह से ये वाला चीज़ बनकर तैयार हो चुका है फाइनली। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस तरह से ये काम करता है इसका। तो इसको सिंपली हमें उठाकर इसके अंदर डाल देना, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उठाकर इसको इसके अंदर डाल देना है एक्सटेंशन बोर्ड में, यहाँ से कुछ इस तरह से लगा देना इसके अंदर। तो ये फाइनली इसके अंदर लग चुका है 220 वोल्ट पावर इसको आने लगा इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट शॉर्ट कैसे करेगा, यानी कोई मच्छर इसमें मरेगा कैसे, अब दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मेरे पास है ये कटर, और अब इसके अंदर प्लेटिनम का ये ब्लेड है, तो इसको मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, तो काफ़ी तेज सर्किट शॉर्ट करेगा। आप लोग देखना ध्यान से, यहाँ पर लगिए बिल्कुल पास से देखना आप लोग। ओ भाई साहब, काफ़ी तेज स्पार्क कर रहा है यार, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है बेसिकली। इस जाली के अंदर गाइस काफ़ी तेज हाई वोल्टेज आ रहा है, 90 वोल्ट डीसी पावर आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मच्छर इस पर टच करेगा तुरंत मारा जाएगा, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता सर्किट हमारा, काफ़ी तेज इसका स्पार्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा मॉस्किटो किलर सर्किट काम करता है। तो आप भी बना सकते हो इस तरह से मच्छर को बचने के लिए, मच्छर से बचने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप भी बना सकते हो मच्छर से, मक्खी से, छिपकली से, कॉकरोच से, सभी से बचने के लिए इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत काम का चीज़ है आपके लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।